अरे ओ भूतनी के बच्चे, घर में बीवी बच्चों के लिए पैसे नहीं रोटी के लिए, और यहाँ उठा रहे चलो यहाँ से, चलो आप चलो एकदम फुटो यहाँ से, फुटो पैसे। ये लोग दर्द तेरे पेट में क्यों हो रहा है? ज्यादा बात नहीं करना, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। टांग तोड़ देगा? बड़ी आई है, मार देना मेरे पेट पर लात। तुझे किसी दिन मजा चखाऊंगी, जब रोना चाहोगे तो हंसेगा और हंसना चाहोगे तो रोएगा। हाँ कौन है? एक काम करे, वो लंगड़ा आ रहा है, उसकी बैसाखी मार। इत्ता, तूने कहा इसकी बैसाखी छीनी है, मैं इसके कपड़े उतार लेता हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, कपड़े एक मरता तूने मारे तो बहुत मार पड़ी थी, खाली बैसाखी। चलो कपड़े ना, नहीं नहीं, नहीं चंडी वो पहनते नहीं होगा, चल। दाता रे राधी दो जीनी पाका बड़। ए भाग, ए क्या कर रहा है? ए चोर पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। ए आगे आ रहा है। ए चोर कहीं है? ए ये गाली नहीं देना रे, ऊपर से सिनेगुली करते हो। क्या 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 किया है हमने? बैसाखी तो चुराया, ऊपर से कहते हो क्या चुराया? बैसाखी हमने तो देखना था, शर्त लगाई थी कि ये बगैर बैसाखी चल सकेगा या नहीं। वीर, हम तुम्हें मार के यहाँ से भगा देंगे। रुक जाओ साहब, दे दे यार, बैलेंस संभालिए। वीर, तूने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? जी मैं वीर नहीं हूँ, मेरा नाम राम है। हाँ, तुम तो वीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वीर तुम्हारी तरह लुच्चा और लफंगा नहीं, वो तो गरीबों का हमदर्द और बेसहारों का सहारा है। अब तुम दोनों अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी बड़ी सजा किस बात की जी? हमने कोई खून किया है किसी का? हमने कोई जुर्म किया जो इतना भड़क रहा है यार तुम? जुर्म तो तुमने बहुत छोटा किया है, मगर मैं इसकी बहुत बड़ी सजा दूंगा तुम दोनों को। नोगे? मिस्टर, मारना है तो हालात को मारो, हमें नहीं। और वो तुमसे होगा नहीं, क्योंकि बेकारी को तुम खत्म नहीं कर सकते, भूख को गरीब के पेट से उखाड़ नहीं सकते, और जब तक भूख और बेकारी मिटेगी नहीं, मुजरिम पैदा होते रहेंगे और गाली बन के समाज में जीते रहेंगे। गलत राह पर चलने वाला हर आदमी हालात और मजबूरी को ही गाली देता है। है इसका कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है तुम दोनों के पास, है? क्या वो वीर का हमशक्ल निकला? हाँ, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं, मामूली फुटपाथ या चोर है वो। कुछ नहीं मिला तो मेरी बैसाखी लेकर भागने लगा। पुरानी जंग खाई हुई ऐसी छुरी है जिससे किसी का सर तो क्या कागज भी नहीं कट सकता, वो भला वीर को क्या मानेगा? टाइगर साहब, पता लगाओ, कहीं वो वीर का भाई तो नहीं है? अगर वीर का भाई निकला तो हमें एक नहीं दो दो वीर से टक्कर लेनी पड़ेगी। यार दिलीप कुमार, राम और श्याम फिल्म, फिल्म ने लगते देखी है यार। जानते ना आपने क्या करना है? पोस्टर को देखकर एक आइडिया आ रहा दिमाग में। काहे का आइडिया? आइडिया कि देख भाई, अपने पास रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं, इसलिए हम तुम्हारे भाई के घर रहेंगे। समझ में ना आता मैं क्या करूं। क्या हुआ? मेरे एक आदमी से पान वाले ने पैसे मांगे, उसने उसका मर्डर कर दिया। तबीयत की मालिश कर रहे हैं पुलिस वाले उसकी, मेरे सारे वकील भी उसको छुड़ाने के लिए फेल हो गए। एक ही वकील है जो ये काम कर सकता है। कौन? उसका नाम है एडवोकेट विश्वनाथ। नमस्ते विश्वनाथ जी। तो ये क्या काम है? मेरा एक दोस्त है दगड़ो, बहुत गरम भेजेगा। तो हुआ क्या है? दुकान पे पान खाने गया था, पान वाले ने पैसा मांगा, बस मर्डर कर दिया, उसको बचा लो, जितना पैसा मांगता उतना मिल जाएगा। ये मेरा भाई, तुमने किसी का खून करना और बिना टिकट ट्रेन में सफर करना, इन दोनों बातों को क्या एक जैसा समझ रखा है? धाक जमाने के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता है। कीड़े मकोड़ों? तुम इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हो? मिस्टर चीकू तांडिया, अगर मेरे दिल दिमाग में कानून की इज्जत खून की तरह न दौड़ रही होती ना, तो मेरे हाथों तुम्हारे सर के बाल झड़ चुके होते और मेरे जूते तुम्हारे सर पर फट चुके होते अब तक। देख, मैं तेरा नाम बहुत सुना और यह भी सुना ये काम तू फटाफट कर सकता, तो मैंने मेरे गुस्से को दबा दिया, नहीं तो मैं तेरी गर्दन झटके में तोड़ देता। गुनाह के पहाड़ पर रखी हुई पाप की काली चट्टान, मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। गोली किधर से आएगी और कहां जाएगी पता भी नहीं चलेगा, तेरा पता कट हो जाएगा। सीधा सीधा माल ले और काम कर डाल वकील। माल के लिए जो काम करते हैं वो वकील नहीं, कानून के दलाल हुआ करते हैं।
मैं दलाल नहीं कानून का पुजारी हूँ, इसलिए पहली और आखिरी बार तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तेरा भाई तो बड़ा कड़क है। कड़क क्या, बारूद बिछी हुई सड़क है, हाथ लगाओ तो धमाका। नहीं, अब तो मिलना पड़ेगा, जरूर मिलना पड़ेगा, और जो मुलाकात होगी तेरे लिए बहुत महंगी होगी। बाप रे, देखो भुगड़ने को कैसे डांट दिया, उसकी दौलत पे ढेर लात मार के भगा दिया उसको। रामलाल, दौलत की जिस ढेर को तेरे भाई ने लात मारी है, वो दौलत का ढेर अब हमारी मलकियत बनेगा। हमारी? हाँ, सुन इधर आ, तू वकील। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात करता है, नहीं नहीं नहीं, बहुत मारेगा यार वो। लेकिन वो दौलत तो मिलेगी ना। अरे मगर नहीं, अब तेरी बात मान लो, मैंने बहुत बार जूते खाए, मेरे सर में इतने बाल नहीं जूते खाए, हमेशा माना गर्ल मिलो डार्लिंग, मान जा। सुनिए साहब, मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूँ। लगता है अकल ठिकाने पे आ गई। अकल का एड्रेस गुम हो गया था। लेकिन तुम्हारा काला कोट कहाँ है और सफेद बाल काले कैसे हुए? ये मेरे बचपन की ट्रेजेडी है, जब मैं काला कोट पहनता ना तो मेरे बाल सफेद हो जाते हैं, भेजा गर्म हो जाता है, फिर गधे घोड़े को एक ही लाठी से हांकने लग जाता हूँ, काला कोट उतारता हूँ फिर सब ठिकाने पे आ जाता है। वो कुछ भी हो, मेरा आदमी छूटना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा लगे। छूटेगा ना तुम्हारा, मगर वो हमको, हम पैसा कितना मिलेगा? 1,00,000 रुपया मिलेगा। भाई क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है क्या, जब पैसा कम होता है तो चक्कर आ जाती है। आप कुछ एडवांस तो दो। एडवांस तो फिर क्या, पॉकेट में केस लड़ूंगा क्या, ऐसा मैं 10-12 रुपए से कम नहीं लूंगा। ओ भाई, चलो रखो। क्या हुआ, ये क्या हुआ? नोट में स्प्रिंग लगी है क्या? नहीं क्या, दरअसल मैंने इतने कम नोट जिंदगी में देखे नहीं है ना। अब देखना तुम, ये अंगूठा छाप वकील आपके आदमी को कैसे छुड़ाता है। अंगूठा छाप? तेरा सरनेम अंगूठा छाप है। आपने रानी का धंधा बंद करा के अच्छा नहीं किया, किराया ना मिलने पर मालिक मकान ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो मैं क्या करूँ यार? आप कुछ नहीं करोगे तो वो कर डालेगी। क्या कर डालेगी? ए, सुनो, यहाँ वीर कहाँ रहता है? अरे वीर का घर तो वो है, मगर आप कौन हो? मैं उसकी होने वाली घर वाली हूँ। ये कर डालेगी, अब आप जाके संभालो इसे। वो मेरा घर वाला है। वेलकम वेलकम। अरे लाल कमीज जरा इधर आ, देख तू मुझे समझ लेती तो जल्दी से समझ ले, वरना ऐसा समझाऊंगा कि अगला पिछला सब भूल जाएगी। इससे पहले कि सब मोहल्ले वाले तमाशा देखे, मेरे ख्याल से तो यहाँ से फूट ले, नहीं तो तेरी शक्ल इस रंग की तरह कर दूंगा। बहुत हो गया, अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस्ती वालों देखो, कल तक यही वीर था जो मेरे हाथों की बनाई हुई खीर खाकर घंटों मेरे तस्वीर देखा करता था और पूछता था कि रानी तू कब भरेगी मेरे घर में पानी। जब मैं इसकी रानी बनकर इसके घर पर आई हूँ तो इसने पानी भरने आई है ना, तो चल फिर पानी भरवा देते। क्यों वीरू भैया? क्या रे, क्या चुपके चुपके चक्कर भी चला लिया? अरे नाटक कर रही है, नाटक। क्या, क्या मैं नाटक कर रही हूँ? बस्ती वालों आप ही बताओ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अगर मैं किसी मालदार से शादी करना चाहूँगी तो क्या वो मना करेगा? नहीं। तो फिर क्या पड़ी है मुझे ये कड़के और फर्नीचर और यह सड़ी हुई झोपड़ी में रहने के लिए चली आई हूँ? आप ही बताओ आखिर क्यों? मेरी लाल परी, आज चल, आजा मेरे साथ, आजा आजा झोपड़े में चलते। पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बेवकूफ बनाया है? क्या करता था, तेरी खीर खाकर घंटों तस्वीर देखा करता था है? और कहता था रानी कवा के भरेगी मेरा पानी, उल्लू बनाया तूने मुझे सबके सामने। हाँ अब उठ, निकल यहाँ से, अब कोई तेरी बात सुनने वाला नहीं, सब सो रहे हैं, इसलिए उठ, चल बाहर। अरे चल चल निकल जाए यहाँ से। मैं चली जाती हूँ वीर। मैंने तेरे बारे में सुना था कि इस अक्खी बस्ती में एक तू ही है जो अपना घर में पनाह देता है और उसके जान माल और आबरू का रखवाला बन जाता है। मैंने गलत सुना था।
मुझे माफ कर दो। सुनो सुनो, देखो अभी जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं टिक जाओ, जब तक तो कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल जाता टिक जाओ, यहीं जाओ, सो जाओ, जाओ। इन हराम जादों को मैं इनकी मां बहन याद दिलाता हूं। जो औरत पे हाथ उठाया, शर्म नहीं आती? पत्नी पर हाथ उठाता है तो काय को इसका साथ देता है? क्या रात को तेरे साथ सोती है?